सर, चुना ने मेरे पूरे प्लान का सत्यानाश कर दिया। सोहम को वर्षा को गोद देने का अपना फैसला अचानक बदल लिया। मैंने सोचा था एक बार सोहम उससे दूर हो जाए फिर सचिन को उससे दूर करूं, लेकिन नहीं, अब मेरा पहला टारगेट सचिन होगा। उसके दिल में तो मैंने अर्चना के लिए नफरत भरी दी है, अब बड़ी होशियारी से उसे अर्चना से कैसे अलग करना है। सॉरी आई आपको वेट करना पड़ा, वो थोड़ा थक गई थी इसलिए फ्रेश होने चली गई। अरे आई, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, चाय लीजिए ना। नहीं बेटा। अरे हाँ, आज तो अर्चना सोहम को गोद देने वाली थी ना, उसका क्या हुआ? सोहम को वर्षा को गोद नहीं दिया गया। लेकिन क्यों? मानव की वजह से। वो अपने बेटे से इतना प्यार करता है और बेटे का उससे दूर जाना वो बर्दाश्त कर नहीं पाया और इसने एन वक्त पे ये रस्म रोक ली। आज जो भी कुछ हुआ है वो सही हुआ या गलत हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे डर है कि इस बात का सचिन पर बुरा असर होगा। आई, इसका असर सचिन पर क्यों पड़ेगा? जाहिर है आज जो कुछ हुआ है उससे अर्चना बहुत नाराज होगी और सारा गुस्सा सचिन पे निकालेगी। अब सचिन को लेके हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। सोहम को तो हमने जाने से रोक लिया, लेकिन सचिन के मन से एक कड़वाहट निकालनी है कि तुम उससे प्यार नहीं करते, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि सचिन को क्यों ना बोर्डिंग स्कूल भेज दें, वो यहाँ रहेगा भी नहीं और फिर वो वैसी बातें भी नहीं सोचेगा, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। क्या बोला तुमने? उसको बोर्डिंग स्कूल में भेजोगे? हाँ, इतना बोझ हो गया तुम पर? नहीं, बोल मत। ये सब इसका किया कराया है, वो बोर्डिंग स्कूल में कभी नहीं जाएगा। मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ, मैं खुद इस चीज के खिलाफ हूँ। बस आप आई उससे पहले मैं बोलने वाली थी, लेकिन ए चुप, ये तेरा ही झूठा मूठा प्यार मुझे मत दिखाओ, मैं सब जानती हूँ। हाय प्लीज चुप। राहुल भैया क्या देख रहे हो? अरे काका जरा देखना तो कैसा नोटिस लगा यहाँ पर। नोटिस? इस नोटिस के द्वारा सारे आनंद निवासियों को सूचित किया जाता है कि इस चौल के मालिक नंद किशोर गरोड़िया ने सदरहु जमीन किसी बिल्डर को बेच दिया है। जल्दी डेवलपमेंट शुरू होने जा रहा है, अगले महीने की 15 तारीख के डिमोलिशन के लिए निश्चित कर दी गई है, इसलिए हर चौल वाले को अपना मकान जल्दी से जल्दी खाली करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कोर्ट के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अरे बड़ी अजीब कहना चाहिए, उठ कर कह दिया घर खाली कर दो। अरे ऐसे कैसे खाली कर दे, हम बरसों से यहाँ रहते हैं और बोल रहे हैं घर खाली कर दो। हम ये चाल बिल्कुल खाली नहीं करेंगे। अगर मेरी राय मानो तो हमें इस मामले में मानव से बात करना चाहिए। अरे वो भी तो बड़े बिल्डर के साथ में काम कर रहा है, वो इस मामले में हमारी मदद कर सकता है। क्यों भाइयों? आप लोग चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मानव से इस बारे में बात करूंगी। मानव, वो आपको पता है आज चौल में सारे लोगों की मीटिंग हुई थी और मुझे गोपाल काका बता रहे थे कि कोर्ट से कोई नोटिस आया जिसमें ये लिखा है कि एक महीने में हमें चौल को खाली करना पड़ेगा। मानव बहुत टेंशन हो रहा है, पता नहीं किसी बिल्डर ने खरीद लिए चौल। तुम जितना ये सीरियस समझ रहे हो ना, वो इतनी सीरियस प्रॉब्लम है नहीं। अगर ये चौल रिकंस्ट्रक्शन पे जाती है तो सबके फायदे वाली बात है। हमने भी ऐसे कई सारे चौल खरीदे हैं, वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन किया, नई बिल्डिंग में चौल वालों को रहने के लिए जगह दी, वहाँ सुविधा अच्छी होती है, लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती है, तो ये सबके भलाई के बारे में बात है ना। तुम टेंशन मत लो, कुछ अच्छा होगा।